कोलकाता के लिए उड़ान भरी। इस हवाई अड्डे में विमानों के संचालन से यात्रियों को काफी उत्साहित देखा गया है। एक रिपोर्ट। असम के हवाई मानचित्र में जुड़ा एक और हवाई अड्डे का नाम रूपसी एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू। घंटों की यात्रा अब मिनटों में। आज असम के मानचित्र में एक और नया एयरपोर्ट जुड़ गया है। आज 40 साल बाद निचली असम के धुबरी और कोकराझार जिले की सीमा पर स्थित रूपसी एयरपोर्ट पर पहला पैसेंजर फ्लाइट लैंड हुआ। फ्लाई बिग नाम के ATR-72 विमान आज गुवाहाटी से 24 यात्रियों को लेकर रूपसी एयरपोर्ट पहुंचा। इसी के साथ साथ विमान ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी। फ्लाई बिग प्रबंधन के अनुसार सप्ताह में 4 दिन रूपसी एयरपोर्ट से विमान गुवाहाटी और कोलकाता से विमानों का संचालन करेगी। आगे अन्य स्थानों से भी विमान सेवा को जोड़ा जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा हवाई सफर कर सके इसके लिए किराए को बेहद ही कम रखा गया है। गुवाहाटी रूपसी के बीच हवाई सफर 555 रुपए में, जबकि रूपसी कोलकाता के लिए टिकट का मूल्य 999 रुपए रखा गया है। We are very happy to be connecting Roopsi. There is so much potential in the area. There are a lot of students who are studying outside. It makes it easier for them to come home. There are so many places here. It's very nice. It's efficiently laid out. आराम से लोग आके जा सकते हैं, मतलब आराम से जल्दी से वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग है इसकी। हफ्ते में 4 दिन शुरू कर रहे हैं। गुवाहाटी से शुरू होगा, कल यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से कलकत्ता के लिए, फिर कोलकाता से यहाँ की कनेक्टिविटी भी है तो कोलकाता और रूपसी का कनेक्शन भी हो जाएगा और गुवाहाटी और रूपसी का भी कनेक्शन। टिकट भाड़ा इसका हम लोग शुरू कर रहे हैं, करीब 555 से शुरू किया है, 999 से शुरू किया है हमने, 999 से शुरू किया है। इरादा ये है कि हम 4 फ्लाइट से शुरू कर रहे हैं, फिर 7 फ्लाइट करेंगे और उसके बाद और सारे रीजन में और भी जगह देखेंगे कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी करी जाए। पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि इतना सारा पोटेंशियल है और रोड कनेक्टिविटी भी टाइम लगता है, तो रेल एयर कनेक्टिविटी के लिए आइडियल जगह है। वहीं पहली फ्लाइट के जरिए रूपसी एयरपोर्ट पहुंचे गौरीपुर के विधायक निजानुर रहमान ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं चापागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के UPPL के विधायक UG ब्रह्मा ने विमान सेवा शुरू होने पर केंद्र तथा राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। दोनों विधायकों का कहना है कि इलाके में विमान सेवा के शुरू होने से क्षेत्र का आर्थिक रूप से विकास होगा। व्यवसाय, विद्यार्थियों और मरीजों के लिए विमान सेवा वरदान से कम नहीं है। बहुत दिन प्रतीक्षार अंतत आमार 40 বছর পিছত আজি এইটো শুভোদ্বোধন হল আনুষ্ঠানিকভাবে। আজি পেসেঞ্জার ইয়াত ল্যান্ডিং করিলে, বহুদিন এর প্রত্যাশা আছিল আমার ধুবরী জেলা পশ্চিম অঞ্চলের কারণে। এইটো আমার যিখিনি আমার ব্যবসায়ী মানুষের কারণে এতিয়া বিভিন্ন বহিজগতের লগত একটা কানেক্টিভিটি হব আর এডুকেশনালি যিখিনি লড়াছোৱালী বাহিরত অহা যাওয়া করে তেখেতসকলের কারণে ভাল হব আর যিখিনি মানুষ আমার মেডিকেলের কারণে কলিকাতা হোক বহিজগতের মানে বোম্বাই হোক দিল্লি হোক যাব লগা হয়েছে এইখানে মানুষের কারণে সহকার হব। নাই আজি খুব ভাল লাগিছে এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে, BTR অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে। এই অর্থনৈতিক দিশত যেটো এটা ডেভেলপমেন্ট এই অঞ্চলত যথেষ্ট বুস্টিং হব, ট্যুরিজমর মানে সেক্টরত বুস্টিং হব আর কমার্সিয়ালি যথেষ্ট ভায়েবল হব বলে মই ভাবো। কাইলে মই ভাবো যে কমার্সিয়ালি ইমানে ভায়েবল হব যে ওয়ান অফ দি মেজর এয়ারপোর্টস অফ দি আসাম এইটো পরিণত হব। लोगों की लंबे समय की मांग आज पूरी हुई है। विमान के जरिए सिर्फ 20 मिनट में गुवाहाटी से रूपसी एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि विमान यात्रा काफी आरामदायक है और इससे समय की भी बचत हो रही है। हाँ, इसी फ्लाइट में आया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 11:30 को छोड़ा था, काफी सुविधा होगा। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। ট্রেনে ভাবিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ আহিম, মানে যেতিয়া চালোঁ মই যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফ্লাইট এতিয়া ডিলে হৈ আছে, অলপ যাব এতিয়াই, তো
তেতিয়া মই মানে ফটাফট ভাবিলো যে লগলগ মই টিকিট করি বাস স্মুথলি ফ্লাইটত আহিলো আর কি। বহুত ভাল, বহুত ভাল হয়েছে। আর কথা হয়েছে কি, আমার ইমান দিনের জল্পনা কল্পনার ভিতরে আশা আছিল যে আমি মানে রুশ্রীত একটা এয়ারপোর্ট হব, ইমান দিন ভাবিছো, আজি সেটা বাস্তবিত হয়ে নত আনন্দিত হয়েছে। মানে মই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অসম সরকার, আমার বিটিসি গভর্নমেন্ট যিমান আছে আর কি, আজি মই সবকে ধন্যবাদ দিছো। মানে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত স্যাটিসফাই। মই তারপরা মানে 11-14 মান ফ্লাই করছো। আমি ইয়াত 25-30 মিনিটত আমি পাই গৈছো। বহুত ভাল লাগিছে। আমি যেটো ঠাইত মানে 6 আৱাৰ মান লাগি যায়, এইটো আমি 30 মিনিটত পাই গৈছো। আৰু কি কম আৰু। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरपोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इसी एयरपोर्ट के जरिए यूएस एयरफोर्स ने चाइना और उस समय के बर्मा पर हमला बोला था। फिर भारत सरकार द्वारा 1980 तक इस एयरपोर्ट का संचालन किया गया और 1984 में रूपसी एयरपोर्ट बंद हो गया। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट को फिर से चालू करने के लिए बार बार कोशिश की, मगर ये संभव नहीं हो पाया। वहीं केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद एयरपोर्ट के फिर से चालू होने का रास्ता साफ हो गया। 22 फरवरी 2019 को सर्वानंद सोनोवाल ने एयरपोर्ट के निर्माण की नींव रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।